Hello friends. Hello friends. Welcome back to my channel. Welcome back to channel. मैं स्कूल जा रहा हूँ. स्कूल जा रहा हूँ. I am going to school. I'm a girl. आज तो हर्षु का फर्स्ट डे है स्कूल में. फर्स्ट डे. हाँ. शारद देख रहे हैं आपको. देखो स्कूल जा रहे हो. दिखा दो कैसे लग रहे हो. दिखा दो जरा. फैन किसी को दो सबको. मैं कैरी कर लूँ. क्यों मुझे दे दो अपना बैग. नहीं. मैं स्कूल में दे दूंगी आपको. अपना अपना है. मेरे पास नहीं है बैग. मामा. नहीं प्लीज मुझे दे दो अपना बैग. मैं दे दूंगी आपको स्कूल में. कहाँ जा रहे हो. अच्छा बोल दो सबको बाय कर दो. बाय. इधर देख के बाय करो. बाय. इधर देखो ना बोलो बाय. बाय. I'm going to school. थोड़ी देर में आऊंगा. बाय. चल चल चल. बोलो हेलो फ्रेंड्स. बोलो मैं स्कूल से आ गया. बोल दो चलो. कैसा लगा आप खुश हो ना. अच्छा. बहुत अच्छा लगा. कल जाओगे. मेरे को ले जाओगे. नहीं. प्लीज ले जाना ना. ले जाओगे मुझे. नहीं. मैं भी जाऊंगी. मैं छोना के साथ. मम्मा तो बहुत उदास हो गई थी. अच्छा स्कूल गया था ना तो मम्मा बहुत उदास हो गई थी बाबू. हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा. अब आप पूछिए आज गाजर का हलवा क्यों बना रही हूँ मैं. क्योंकि आज मेरे बेटे का स्कूल में प्ले स्कूल में पहला दिन था. आज इतने दिनों बाद वो मुझसे 3 घंटे के लिए अलग हुआ था. तो मैंने सोचा था कि जब आएगा तो मैं भगवान जी का भोग बनाऊंगी. तो आज मैं भगवान जी के भोग में गाजर का हलवा बनाऊंगी. सुबह मैं बहुत नर्वस थी कि बेटा तो स्कूल गया है. लेकिन मैं बहुत नर्वस थी. लेकिन मेरा बेटे ने बहुत इंजॉय किया. तो जब खुशी खुशी घर आया तो मैं ये सोच के ही बैठी थी कि आज जो बनाएंगे वो गाजर का हलवा बनाएंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. मैं ये बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ. कढ़ाई गर्म कर ली है मैंने पहले ही. और सीधा इसके अंदर जो डालती मैं कद्दूकस कर भी गाजर डालती हूँ. ये गाजर मैंने 1 किलो लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया है. मैंने गाजर डाल दी है सीधा कढ़ाई में गर्म करके. और इसके लिए मैंने जितनी गाजर होगी 1 किलो उतना ही दूध लेना है. मतलब 1 लीटर ही मैंने दूध लिया है. और थोड़े से आधा कप मैंने इसके अंदर काजू बादाम लिए हैं जो गाजर के हलवे में और ऊपर से गार्निश करने के लिए मैं यूज़ करूँगी. और मैंने 100 ग्राम के करीब खोया लिया है और 1 कप के करीब चीनी ली है. आप ये डालकर इसमें डायरेक्टली मैं दूध डालूंगी. यूज करिएगा. और डायरेक्ट 1 थैली पूरी डालूंगी. और जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम चीनी डालेंगे. तो उबाल आने तक मैं थोड़ा ढक के रख दूंगी. आज आप कहाँ गए थे. स्कूल गए थे. अच्छा लगा आपको. वहाँ देख के बोलो अच्छा लगा. फ्लाइंग किसी कर दो सबको. चलो अभी आप जाओ. मम्मा बना रही है ना. तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लगा है. तो इसी टाइम पे मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी. चीनी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे खाते हैं जितना मीठा लेते हैं उतना ही रखिए. मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी ली है. इसको अच्छी तरह हिला लेंगे और ढक देंगे. ढक कर थोड़ा सा खुला छोड़ना है नहीं तो जो दूध है वो बाहर आने का डर रहता है.
तो अब जब तक पकाएंगे जब तक ये सारा दूध सूख नहीं जाता इसके अंदर। देखिए सारा दूध इसमें सूख चुका है और इसको बीच बीच में मैं हिला रही थी, आपको भी हिलाते रहना है। और अब जब ये इतना ऐसा हो जाए, जब इसका बिल्कुल ये दूध सूख जाए, ऐसे थोड़ा थोड़ा रहे, तो इसको तेज फ्लेम पर आपको चलाते रहना है और उसके साथ खोया डालना है। खोया थोड़ा गार्निश के लिए रख लीजिएगा। और इसी के साथ ये काजू बादाम, ये भी थोड़े गार्निश के लिए। इसको फ्लेम तेज करके आप हिलाएंगे। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ ये, इसमें घी बिल्कुल नहीं डालती और इलायची पाउडर आपकी मर्जी है इसमें डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं नहीं डालती इसके अंदर क्योंकि कोई खाता नहीं है इलायची पाउडर वाला फ्लेवर, अच्छा नहीं लगता। मेहनत तो लगेगी क्योंकि 4 से 5 मिनट आपको ऐसे करना है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो जाए कि इसका कलर रेड रेड निकल आएगा बिल्कुल ऐसे। तब तक आप इसको चलाते रहें, बिल्कुल भी इसके अंदर दूध नहीं छोड़ना है, ये आना नहीं चाहिए आपकी कड़छी पे बिल्कुल। देखिए हो चुका है बिल्कुल, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बन चुका है और ये मेरे भगवान जी का भोग है क्योंकि आज मेरा बेटा स्कूल गया था, तो उसी खुशी में भगवान जी के लिए मैंने ये भोग बनाया है। और ये सच में बहुत टेस्टी बनता है, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। कम से कम इसको 40 मिनट लगेंगे दूध सूखने के लिए, 35 से 40 मिनट। तो आप भी बनाइए और बना के मुझे बताइए कैसा बना, और ये बताने के लिए आपको बताइए कमेंट्स करने हैं और शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, और आपको पता है सब्सक्राइब तो जरूर करना है और जो बेल बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी हर नई न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।